आजमगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में फासला और बढ़ गया है। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ अब 7,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं, यानी यहां पर आजमगढ़ में फिलहाल जो काउंटिंग से खबर सामने आ रही है वो समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी थी अखिलेश यादव को, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में निरहुआ जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो अब 7,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं, तो यह बड़ी खबर है आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर। निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में फासला और बढ़ गया है। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ अब 7,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं, यानी यहां पर आजमगढ़ में फिलहाल जो काउंटिंग से खबर सामने आ रही है वो समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी थी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में निरहुआ जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो अब 7,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं।